राइट तो निफ्टी बैंक निफ्टी अगर हम लोग कल के बारे में देखते हैं तो एज पर प्रोजेक्शन वाई के हिसाब से क्या क्या इंपॉर्टेंट लेवल से भी बन रहा है तो सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो चलिए पहले हम लोग देख लेते हैं कि बैंक निफ्टी में क्या क्या पॉसिबिलिटीज बन रहा है। तो बैंक निफ्टी लास्ट टाइम हम लोग बात किए थे कि अभी स्ट्रॉन्ग जो रेजिस्टेंस आपका है 43,338 का जो मार्क है उसको हम लोग स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस के हिसाब से कंसिडर कर रहे थे। नेक्स्ट आपका नीचे जो था इमीडिएट रेजिस्टेंस 43,274 राइट। तो मार्केट आज गैप डाउन होने के बाद भी आपको दिखा कि 274 का जो मार्क है उसको पहले मार्केट टेस्ट किया सुबह ही, उसके बाद मार्केट में आपको रिजेक्शन वहाँ से ही दिखाया राइट। मार्केट 50 एमए को भी ब्रेक किया है आज, नीचे जो लो बनाया था वो 43,076 के आसपास मार्केट लो बनाया है अभी। तो मार्केट अभी भी 50 एमए का जो मार्क है उसको रेजिस्टेंस के हिसाब से भी मार्केट काउंट कर रहा है। तो 43,167 का जो मार्क है उसको अभी हमें रेजिस्टेंस के हिसाब से इमीडिएट रेजिस्टेंस के हिसाब से काउंट करना है। अगर मार्केट मान लीजिए इसको ब्रेक कर देता है तो वहाँ अप टू 43,274 तक मार्केट ऊपर जा सकता है। अगर मार्केट फ्लैट ओपनिंग होता है मान लीजिए तो बुलिश में एग्जैक्टली आपका टारगेट जो बनेगा 43,274। अगर मान लीजिए यहाँ से फिर से रिजेक्शन मार्केट को मिलता है तो मार्केट इजीली 43,000 तक एटलीस्ट नीचे आ सकता है। एज पर प्राइजेक्शन अगर हम लोग देखते हैं तो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एग्जैक्टली बनता है 42,854 का जो मार्क है वहाँ तक राइट। तो ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा मार्केट कितना दूर अप्रोच कर सकता है, आपका फर्स्ट टारगेट है 274, नेक्स्ट टारगेट आपका 338 तक मार्केट ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा अभी अप्रोच कर सकता है। नीचे क्या है 43,000 का मार्क अगर डिसाइसिवली मार्केट ब्रेक करता है तो मार्केट 854 तक नीचे आ सकता है या फिर एटलीस्ट 924 का जो मार्क आपको दिख रहा है वहाँ तक। तो बेरिश में आपका तीन टारगेट नीचे पहले 43,000 उसके बाद 924 देन 42,854 का जो मार्क आपको दिख रहा है, ऊपर 43,274 और 338 आपका नेक्स्ट टारगेट राइट। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि निफ्टी में क्या क्या पॉसिबिलिटीज एग्जैक्टली बन रहा है। निफ्टी में अगर हम लोग देखते हैं तो निफ्टी में लास्ट डे भी हम लोग बात किए थे कि मार्केट अभी ये जो ट्रेंड लाइन आपको दिख रहा है इस ट्रेंड लाइन को मार्केट मेंटेन कर रहा है, मतलब मार्केट जब भी इस ट्रेंड लाइन की तरफ अप्रोच कर रहा है वहाँ से मार्केट को रिजेक्शन मिल रहा है। तो वहाँ से क्या है कि मान लीजिए मार्केट अगर फिर से कल यहाँ पर अप्रोच करता है तो पॉसिबिलिटीज रहा है कि मार्केट वहाँ से फिर से एक रिजेक्शन के लिए आए। तो वहाँ पे नीचे अगर हम लोग बेरिश के हिसाब से देखते हैं तो 18,590 आज का जो लो है, आज का लो एग्जैक्टली 577 है, लेकिन यहाँ पर अगर 590 का लेवल हम लोग देखते हैं तो यहाँ पर मार्केट दो बार आया है, यहाँ पर दो बार सपोर्ट लिया है। तो उसके हिसाब से 590 एक अच्छा लेवल है, उसको हम कंसिडर करेंगे बेरिश में फास्ट टारगेट के हिसाब से। तो अगर इसको डिसाइसिवली मार्केट ब्रेक करेगा तो अप टू 534 तक नीचे मार्केट आ सकता है राइट। अभी क्या है मान लीजिए कि मार्केट ये जो ट्रेंड लाइन आपको दिख रहा है इसको अगर डिसाइसिवली ब्रेक करता है तो ऊपर कितना दूर मार्केट जा सकता है। तो ऊपर क्या है इसको अगर डिसाइसिवली ब्रेक करता है तो मार्केट अप टू 717 आपको जो दिख रहा है तो वहाँ तक मार्केट या फिर 700 तक एटलीस्ट मार्केट अप्रोच कर सकता है। तो इसमें अगर हम लोग एंट्री देखते हैं मान लीजिए बुलिश में एंट्री अगर हम लोग देखते हैं तो स्टॉप लॉस आपका 50 एमए के मार्क बन जाएगा। अगर बेरिश में अगर हम एंट्री देखते हैं तो मार्केट जब 50 एमए के नीचे आएगा तो आपका एंट्री होगा, और उस मामले में ये जो ट्रेंड लाइन का लेवल आपको दिख रहा है यहाँ पर 63 के आसपास आपको दिखेगा तो उसको आपको कंसीडर करना है, मतलब यहाँ पे आपका 20 पॉइंट्स का एक स्टॉप लॉस बनेगा और अप टू एटलीस्ट आप 590 तक नीचे आ सकते हो, मतलब आपका टारगेट बनेगा राइट। तो नीचे ऑलरेडी आपको बताया कि 18,534 तक नीचे मार्केट आ सकता है। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि बिल्डअप कैसे हुआ है, उसके हिसाब से जो भी व्यू पॉइंट के बाद हम लोग कर रहे हैं वो सही है या नहीं राइट। तो बिल्डअप में अगर हम लोग देखते हैं तो 18,500 पे पहले देख लेते हैं क्योंकि उसको हम लोग स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के हिसाब से कंसीडर कर रहे हैं राइट। तो 1,15,000 तो इसमें अभी आप अगर देखते हैं कॉल पे तो कितना 18,000। तो पुट में अभी देखिए यहाँ पर पुट राइटर्स जो है तो वहाँ पर अभी भी अच्छा खासा बिल्डअप है, तो अभी भी हम कंसीडर कर सकते हैं 18,500 का जो मार्क है वो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के हिसाब से। 600 में क्या है 77 आपका कॉल पे है और यहाँ पे 150, तो यहाँ इसको भी हम कंसीडर करेंगे, मतलब आज जैसे 590 के जो लेवल है वहाँ पे मार्केट दो बार सपोर्ट लिया तो उसके हिसाब से अभी भी हमें कंसीडर करना है ये जो लेवल आपको दिख रहा है इसको कंसीडर करना है स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के हिसाब से, बिल्डअप के हिसाब से भी अगर हम लोग देखते हैं तो राइट। तो देन अगर हम लोग देखते हैं 700 पे आपको दिखेगा 1,45,000 कॉल में बिल्डअप, तो इसमें हम कंसीडर कर सकते हैं कि 18,700 पे मार्केट ज़्यादा से ज़्यादा ऊपर अप्रोच कर सकता है, वही आपका स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस अभी बन रहा है। उसके बाद 800 पे आप तो देख ही पाएंगे कि यहाँ पर 1,92,000, तो उसके हिसाब से अभी 700 को ही हमें कंसीडर करना है स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस के हिसाब से राइट। तो अगर बैंक निफ्टी देखते हैं तो बैंक निफ्टी में क्या क्या पॉसिबिलिटीज है, बैंक निफ्टी में 43,000 को हम कंसीडर कर रहे थे सपोर्ट के हिसाब से, तो यहाँ पर पुट राइटर्स जो है 1,47,000 इसमें 43,000 पे 76 राइट,
देन अगर हम लोग 43,200 पे देखते हैं तो यहाँ पर 1,10,000 और यहाँ पर 67, तो 43,200 तक मार्केट ऊपर अभी आ सकता है। इसको 43,200 का जो मार्क है उसको हम कंसीडर कर सकते हैं स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस के हिसाब से। देन 300 पे भी अच्छा खासा बिल्डअप है कॉल पे, तो उसके हिसाब से अभी इमीडिएट सपोर्ट अगर हम लोग देखते हैं 200 और इमीडिएट रेजिस्टेंस और सपोर्ट 43,000। 43,000 का अगर ब्रेक होता है तो मार्केट अप टू, जैसे आपको ऑलरेडी बताया कि मार्केट नीचे कितना दूर जा सकता है, इसको अगर मार्केट ब्रेक करता है एटलीस्ट 854 तक नीचे जा सकता है, राइट। सो पॉसिबिलिटीज आर हाई कि मार्केट आइदर रेंज बाउंड हो या फिर मार्केट बेरिश की तरफ जा सकता है। सो थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, सी इन द नेक्स्ट वीडियो।